खबरें विस्तार से। कानून की सख्ती के बाद भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हर महीने औसतन 10 से अधिक नाबालिग के साथ दुष्कर्म या छेड़खानी की शिकायत सामने आ रही है। ये मामले वे हैं जो थानों में दर्ज होते हैं, जबकि कई कई शिकायतें सीधे बाल कल्याण समिति के पास ही पहुंच जाती है तो कई दर्ज ही नहीं होते। आखिर पॉस्को एक्ट कितना कारगर हुआ और पुलिस ऐसे मामलों में खानापूर्ति किस तरह से करती है, इसका खुलासा गुरुग्राम के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन शकुंतला ढूंढ ने किया। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार पॉस्को एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई के ऊपर जोर दे रही है, इसके बाद भी अधिक असर नहीं दिख रहा। 3 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर मामलों में पड़ोसी ही आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं, इस वजह से काफी मामले सामने नहीं आ पाते हैं। लोक लाज इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हालांकि इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर बहुत ही कम लोग सामने आते हैं। जिस बच्ची के साथ गलत होता है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। आसपास के लोग उसके बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। जिस परिवार से नहीं बनती उस परिवार के लोग शादी में भी अड़चन पैदा करते हैं। मैम, गुरुग्राम में बाल अपराध की क्या स्थिति है, कितना इजाफा हुआ है इसमें? गुरुग्राम में बाल अपराध तो बढ़ता ही जा रहा है जी, मतलब कमी वाली चीज तो सामने आ ही नहीं रही है। अभी भी आए दिन, मतलब मैं खुद देख रही हूँ कि हर महीने जो पॉक्सो के केसेस हैं वो मतलब 30 से 35 के करीब करीब आ जाते हैं हमारे पास। अब ये लगा के चलिए कि हर रोज 1 से 2 केस मतलब आ रहे हैं। अब क्या कुछ आप लोग कर रहे हो ऐसे मामलों को रोकने के लिए? और ये भी शिकायत आ रही है कि कई मामले दर्ज ही नहीं होते, वे लोग डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं? नहीं, कुछ केसेस के अंदर ये चीज़ एकाध शिकायत आई है हमारे सामने, पर हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस को डायरेक्शन दिया है और पुलिस ने उस मामले को दर्ज किया है। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है? अंकुश के लिए तो मैं हर किसी से कहूंगी कि आप 10-9-8 पे आमजन भी, परिवार भी और हमारा जितना पुलिस प्रशासन है, हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। कानून देखो बन जाता है, उसके अंदर सख्त मतलब सजा का प्रावधान है, वो सब चीजें बाद में होती हैं। अगर हम इनको पहले ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब ये ठीक है कि अगर कहीं आपको लगता है कुछ हो रहा है तो कम से कम हर आमजन की ये जिम्मेवारी बनती है, देखिए कि इस बच्चे के साथ ये कौन खड़ा है, कौन है, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो 10-9-8 पे घंटी मार दीजिए उसी वक्त, मतलब आपके पास कुछ घंटों में ही हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग पहुंच जाते हैं और उस बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके हाथ में आ जाती है। नाबालिग बच्चियों के साथ जो मामले आ रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि रोजाना 1 से 2 मामले आ रहे हैं, क्या इसको लेकर आपने सरकार को या पुलिस प्रशासन को भी कोई पत्र लिखा है? नहीं, इसमें तो हम लिखते रहते हैं। हम हमारी हाईकोर्ट को हमने पिछले दिनों लिखा कि गुड़गांव में जी हो रहा है, इसके ऊपर अवेयरनेस का हम लोग बार बार करवाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट इसमें WCD डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। अभी कल ही मतलब हमारे डी साहब के इसमें हॉल में था, सेक्सुअल अब्यूज जो प्रोटेक्शन का होता है हमारा जो होता है, लोगों को अवेयर करते हैं, अपने स्टाफ को करते हैं, बाकी आमजन भी इसके अंदर कुछ NGO बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसके अंदर यही है कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही सबसे बेस्ट है कि किसी तरह बचाव। एक और सवाल ये आता है कि रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें जो नाबालिग लड़कियों ने भी बच्चियों को भी जन्म दिया है। रिहैबिलिटेशन वाले में ये है कि ये सारे अदर स्टेट के मामले, अभी पिछले दिनों का ही है, अभी 2 केसेस बिल्कुल अभी इसी वीक के हैं मेरे सामने, जिसके अंदर 2 बच्चियों ने मतलब जन्म दिया है। उसमें एक बच्ची अदर स्टेट की थी, उसको हमने वहाँ पे अभी रिपेट्रिएट कर दिया है। उसके यहाँ हमने बहुत अच्छे मेहमान नवाजी भी उस बच्चे की बहुत की है हमने, उसको जो उसकी डाइट थी, उसके बच्चे की केयर थी, उसको जितना भी जो होता है हमने उसका पूरा केयर किया है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की है और उसके बाद उस बच्ची को उस ट्रोमा से बाहर निकाला, उसकी फैमिली को बुलाया। और अभी पिछले दिनों, अभी कल परसों का एक मामला है, वो उसकी फैमिली ने मतलब उस बच्ची को स्वीकार लिया है और वो छोटी बेबी को भी अपने साथ ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें लगा कि चलो, उस जन्मी बच्ची को तो अभी यही नहीं पता कि मेरा क्या कसूर है, तो कहीं ना कहीं परिवार ने स्वीकारा तो मुझे भी सुकून मिला कि चलो कलो कम से कम परिवार के साथ तो रहेगी। जो हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कम से कम उस बच्ची को तो यही नहीं पता कि पैदा होती मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो उसको परिवार मिला, खुशी मिली, शाम को आके मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती है।